नमस्कार दोस्तों, सीबीएसई क्लास टेंथ हिंदी कोर कोर्स बी एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो कि चैप्टर 3 है आपका स्पर्श नामक पाठ्यपुस्तक से, तो बिहारी जी की जो कविता है इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छाया भी अब छाया छूने या ढूंढने लगती हैं, तो ग्रीष्म ऋतु के जेठ मास की दोपहर में धूप इतनी तेज होती है कि सिर पर आने लगती है, जिससे वस्तुओं की छाया और छोटी होती जाती है। कवि बिहारी का कहना है कि जेठ की दोपहरी में सूर्य की तेज किरणों के कारण वृक्षों और घरों की छाया भी घर में सिमट कर रह गई है, इसलिए लगता है कि गर्मी में छाया भी त्रस्त होकर छाया ढूंढने लगती है। अगला प्रश्न है, बिहारी की नायिका यह क्यों कहती है कि कहियों सब तेरो ही हो और मेरे हीये की बात, कि बिहारी की नायिका विरह की अग्नि में जल रही है। वह अपने प्रिय को पत्र द्वारा संदेश देना चाहती है, पर कागज पर लिखते समय उसे कपकपी और आंसू आ जाते हैं, इसलिए लिखते समय वह अपने मन की बात बताने में खुद को असमर्थ पाती है। किसी के द्वारा नायक के लिए संदेश भेजने में उसे लज्जा महसूस होती है, इसलिए वह सोचती है कि मेरी जो विरह अवस्था है वही उसके प्रिय की भी होगी। वह अपनी सखी से कहती है कि अपने हृदय की वेदना से वह मेरी वेदना को समझ जाएंगे। सच्चे प्रेमी एक दूसरे के हृदय की बात को स्वयं ही महसूस कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सच्चे मन में राम बसते हैं, दोहे के संदर्भ के अनुसार भाव स्पष्ट कीजिए। तो कवि बिहारी के अनुसार भक्ति का सच्चा रूप हृदय की सच्चाई में निहित है। बिहारी ईश्वर की प्राप्ति के लिए धार्मिक कर्मकांडों को दिखावा समझते थे। उनके अनुसार माला जपने, छापे लगवाने, माथे पर तिलक लगवाने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जो लोग व्यर्थ के आडंबरों में भटकते रहते हैं वे झूठा प्रदर्शन करके दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन ईश्वर को नहीं। भगवान राम तो सच्चे मन की ही भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से सच्चे मन में राम बसते हैं दोहे के संदर्भ अनुसार भाव स्पष्ट किया गया है। अगला प्रश्न है कि चौथा, कि गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छुपा लेती हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं और उनसे बातें करके उन्हें अपने मन के भाव बताना चाहती हैं। श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी बहुत प्रिय है, वे उसे बजाते समय अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं। गोपियाँ उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मुरली छुपा देती हैं ताकि बांसुरी मांगने के बहाने कृष्ण उनसे बातें करें। जब श्री कृष्ण उनसे बांसुरी के बारे में पूछते हैं तो गोपियों ने अपनी बांसुरी अपने पास होते हुए भी उनसे इनकार कर देती हैं और इसी बहाने उन्हें श्री कृष्ण से बात करने का अवसर मिल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, कि कवि ने सभी की उपस्थिति में भी कैसे बात की जा सकती है, इसका वर्णन किस प्रकार किया है, अपने शब्दों में लिखिए। कवि बिहारी ने बताया कि घर में सबकी उपस्थिति में नायक और नायिका इशारों में अपने मन की बात करते हैं। नायिका परिवार के लोगों के बीच बैठी है, तभी नायक द्वार पर आकर उससे इशारे से प्रेम निवेदन करता है, पर नायिका इशारे से मना कर देती है। नायिका के मना करने की अदा पर नायिका रीझ जाता है। इसे देखकर पहले नायिका खींच उठती है, पर दोनों के नेत्र मिल जाने पर आँखों में प्रेम स्वीकृत या स्वीकृति का भाव आता है। इस पर नायक प्रसन्न हो जाता है और नायिका की आँखों में लज्जा आ जाती है। इसी प्रकार कवि बिहारी का कहना है कि प्रेम प्रदर्शन में शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। 6 है कि मनोनीलमन शैल पर आपता प्रयोग प्रवाह, तो इस पंक्ति में श्री कृष्ण के अतुल्य सौंदर्य का वर्णन है। श्री कृष्ण के सांवले शरीर में पीले रंग के वस्त्र हैं जो देखने में ऐसे प्रतीत होते हैं मानो नीलमणि पर्वत पर सूर्य की किरणें अपनी आभा फैला रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगत तपोवन शोकियो दीर्घ दाग निधान, तो इस पंक्ति का भाव यह है कि ग्रीष्म ऋतु की भीषण गर्मी से पूरा जंगल तपोवन जैसा पवित्र बन गया है। सबकी आपसी दुश्मनी समाप्त हो गई है। सांप, मोर, हिरण, सिंह सभी पशु गर्मी से बचने के लिए एक साथ रह रहे हैं।
ऐसा प्रतीत होता है जैसे गर्मी के प्रभाव से बचने के लिए ये आपसी शत्रुता को भूलकर प्रेम के साथ एक साथ रह रहे हैं। नेक्स्ट है कि जपमाला छापे तिलक सरई न एको काम और मन कांचे नाचे व्रथा सांचे रांचे राम। इन पंक्तियों के द्वारा कवि बिहारी ने बाहरी आडंबरों का खंडन करके भगवान की सच्ची भक्ति करने पर बल दिया है। इस दोहे का भाव यह है कि माला जपने, छापे लगवाना, माथे पर तिलक लगवाने अर्थात बाहरी दिखावों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। कच्चे मन वालों का हृदय विचलित रहता है, इसलिए वे ही ऐसा करते हैं जो इन व्यर्थ के आडंबरों में भटकते रहते हैं। वे झूठा प्रदर्शन करके दुनिया को धोखा दे सकते हैं परंतु ईश्वर को नहीं। भगवान राम तो सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। राम तो सच्चे मन से याद करने वाले के हृदय में रहते हैं, इसलिए मन पर नियंत्रण ही एक निष्ठ भक्ति है। तो आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, जो कि SS नॉलेज आपका चैनल है, चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF प्राप्त करके अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।